आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट जो कि खुशखबरी डबवाली वासियों के लिए है, सिरसा का डबवाली विधानसभा क्षेत्र कोरोना से फ्री हो गया है, यानी अब डबवाली में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस है वो नहीं बचा है। तो डबवाली के लिए बड़ी राहत की बात है कि डबवाली में कुल 8 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए थे, जिनमें अब तक 4 फीमेल केस थे और 4 ही मेल केस थे। तो यानी कि डबवाली में अब 8 मरीज हैं वो अपने सुरक्षित घर पहुँच चुके, जिन्होंने कोरोना से जंग को जीत लिया है। जिस तरीके से डबवाली की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर 2 दिनों के अंतराल में ही जब कोरोना के 5 पॉजिटिव केस आए थे, तो कहीं ना कहीं लोग बेहद सहमे हुए थे। लेकिन अब डबवाली के लिए बड़ी राहत की बात है, स्वास्थ्य विभाग ने सुखद सांस ली है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बात के लिए खुशी जाहिर की है कि अब डबवाली है वो कोरोना से मुक्त हो गया। क्योंकि आखिरी जो डबवाली का पेशेंट है वो जो कोर्ट का जो नज़र बचा था, अब उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उसको देर रात डिस्चार्ज करते हुए उसको घर भेजा गया है। और अदालत के इस नज़र की रिपोर्ट आने के बाद कोविड हॉस्पिटल से इसे डिस्चार्ज किया गया था और डबवाली स्थित वो अपने घर वो पहुँच गया है। अब कोरोना मुक्त डबवाली हो गया है, जहाँ पर हम तमाम हमारे कोरोना वॉरियर्स का थैंक यू अदा करते हैं। और डिस्चार्ज होकर डबवाली पहुँचे नज़र ने बताया है कि उसकी जब पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो उसके बाद उसकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, लेकिन तीसरी बार उसका जब सैंपल लेकर 2 विभागों को अलग अलग प्रयोगशाला में भेजा गया था, तो वहाँ पर दोनों रिपोर्टें उसकी नेगेटिव आने के बाद उसको डिस्चार्ज है वो कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से डबवाली में कोरोना के पॉजिटिव केसों का सिलसिला शुरू हुआ था। जब 28 अप्रैल को हम बताते हैं कि 2 नांदेड़ साहब से कुल मिलाकर वहाँ पर 18 जो श्रद्धालु नांदेड़ साहब से डबवाली पहुँचे थे, और उनको डबवाली के महाविद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था, जहां पर एक महिला और एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और उसके बाद दोनों लोगों ने कोरोना से जंग को जीता था, जिसके बाद एक महिला थी जो कि पंजाब से अपनी बेटियों के पास रह रही थी डबवाली के प्रेमनगर में। उसके बाद 2 फिर से लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें एक कोर्ट का नाजर और एक केमिस्ट था जो डबवाली के ही रहने वाला है। उसके बाद 3 कोरोना के पॉजिटिव केस अगले दिन ही आए थे, जिसमें एक महिला और एक पति पत्नी थे। तो कुल मिलाकर 8 मामले डबवाली से आए हैं, तो 8 के 8 लोग ठीक होकर जंग को जीतकर घर पहुंचे हैं। तो हम बहुत बहुत नमन करते हैं हमारे तमाम कोरोना योद्धाओं को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे प्रशासन को, जिन्होंने पूरे डबवाली में भी उस वक्त जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे वहां पर अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दी, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से अदालत के नज़र जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जो उन्होंने बातचीत मीडिया से शेयर की है, वो यही बताया कि उनको जब घर छोड़ा गया तो उन्हें 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़े। और स्वास्थ्य विभाग का जवाब है कि अब सरकार की नई एक पॉलिसी है, जिसमें एक ही तरफ का जो किराया है माफ़ होगा, और जब कोई कोरोना को हराने के बाद घर पहुँचेगा तो उसको खुद के जेब खर्चे से घर आना होगा। और विभाग का साफ कहना है कि मरीजों को एक साइड का किराया ही माफ़ होगा। ये जरूर आफत है कि आपत्ति जताई उन्होंने कि उन्हें एक साइड से पर किलोमीटर 7 रुपये उनको अदा करने पड़े, और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था डबवाली से सिरसा का, जिनको लगभग करीब 500 के आसपास रुपए हैं वो खर्च कर घर पहुंचना पड़ा। तो ये इस वक्त की 500 से ज़्यादा का उन्हें खर्चा आया। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी एक खुशखबरी डबवाली वासियों के लिए है कि डबवाली अब कोरोना से मुक्त हो गया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं इस कड़ी को बाहर रख सकें, आप सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, चेहरे पर मास्क रखें डबवाली में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारे सामने खबरें आती हैं कि अभी भी दुकानदार इस रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो हम उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं आप चेहरे पर मास्क रखें, सोशल डिस्टेंस और हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि अभी भी डबवाली के तमाम दुकानदारों में से कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो चिंता मुक्त हैं कि उन्हें कोरोना शायद कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार की जो चिंताएं बढ़ रही हैं, हरियाणा में ताबड़तोड़ तरीके से जो कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, ऐसे में डबवाली वासियों को भी एहतियातन इन चीज़ों की नियमों की पालना करनी जरूरी, एक अपने आप को उसके लिए माइंड सेटअप करना होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं डबवाली को हम कोरोना मुक्त रख सकें, और उम्मीद करते हैं कि पूरे हमारे सिरसा ज़िले में भी जो बचे के बाकी एक्टिव केस हैं वो भी जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाएं, और डबवाली एक बार फिर से हमारा सिरसा ज़िला है वो कोरोना से मुक्त हो सके। अगर आपको मैं सिरसा की पूरी की स्थिति बताऊँ, तो सिरसा में भी कल
एक केस पॉजिटिव आया था और अब तक 58 केस टोटल सिरसा में मिल चुके, जिनमें से 39 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। और अभी तक सिरसा में अगर बात करें तो 19 जो एक्टिव केस हैं सिरसा की, यानी कि हॉस्पिटलाइज हैं जो लोग, उनका इलाज अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर सिरसा जिला में सिर्फ 19 केस बचे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द वो सब लोग भी कोरोना से जंग को जीतेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, तो क्योंकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।